सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम अपनी एवेंजर 220 में इंस्टॉल करने वाले हैं राइडर बैकरेस्ट। तो ये जो पिलियन बैकरेस्ट देख पा रहे हैं ना आप लोग, इसी बैकरेस्ट को अपन आज कन्वर्ट करने वाले हैं राइडर बैकरेस्ट में। और ये जो राइडर बैकरेस्ट है, इसको आप पुरानी वाली एवेंजर 220, 200, 180 में तो इंस्टॉल कर ही सकते हैं, बल्कि आप स्ट्रीट और क्रूज में भी इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको अलग से ये पुरानी वाली एवेंजर का बैकरेस्ट चाहिए होगा, बिकॉज जो क्रूज़ में जो बैकरेस्ट आता है ना, वो आप एज अ राइडर बैकरेस्ट इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो आपको पुरानी वाली एवेंजर का ही बैकरेस्ट चाहिए पड़ेगा, तब जाके आप राइडर बैकरेस्ट में इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये जो पिलियन बैकरेस्ट है, इसको हमें रिमूव करना रहेगा। तो सबसे पहले इन बोल्टों को खोल लेते हैं और इस बैकरेस्ट को कर लेते हैं रिमूव। तो ये हमारा बैकरेस्ट जो है वो अलग हो चुका है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रहा हमारा बैकरेस्ट और अभी ये इन दो बोल्टों पे कसा हुआ है। और तो इन दो बोल्टों को भी हमें ओपन कर लेना है, जिससे पूरी तरीके से ये हमारा जो बैकरेस्ट है वो अलग हो जाए। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये फ्रेम और इस फ्रेम का कवर जो है वो अलग हो चुके हैं। यह फ्रेम देख पा रहे हैं, ये काफ़ी हैवी क्वालिटी का है और ये इसका कवर है। ऐसे ही हम इस तरफ से भी इन दोनों को अलग कर लेते हैं। तो ये आप बैकरेस्ट देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से आगे की तरफ यहां लगेगा। तो ये जो फ्रेम थे, ये जो अभी लगे हुए थे, ये इस तरीके से लगे हुए थे। यहां पे आप देख सकते हैं, आप ये इस तरीके से लगे हुए थे। बट अभी अपन को क्या करना है कि इनको अपन को घुमा के लगाना रहेगा। तो अपन घुमा के इनको इस तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले इन फ्रेम को हम यहाँ पे टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़े से बड़े बोल्ट लेने पड़ेंगे और इन बोल्ट्स को हमें अच्छी तरीके से टाइट कर देना रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक साइड का फ्रेम जो है हमारा अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। अब सेम हमें दूसरी साइड भी इस फ्रेम को अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर देना है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो फ्रेम है, ये अपन ने टाइट कर लिए हैं और ये अच्छी तरीके से टाइट भी हो गए हैं। अब जो हमारा बैकरेस्ट है, ये इस तरीके से यहाँ पे ये कसा जाएगा। तो फ्रेम में जो सबसे ऊपर वाला होल है और बैकरेस्ट में जो सबसे ऊपर वाला होल है, यहाँ पे हम एक बोल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड हम एक एक बोल्ट लगाएंगे सबसे ऊपर और इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये अपन ने ऊपर साइड से टाइट कर दिया है, बट अभी ये आगे की तरफ इस तरीके से आ रहा है। तो एक बोल्ट हमें नीचे साइड इस बैकरेस्ट में लगाना रहेगा। तो यहाँ पे हम एक 12 नंबर का बोल्ट लेंगे और इस बैकरेस्ट के नीचे वाले होल में इस तरीके से लगा देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बोल्ट लगाने के बाद ये जो बैकरेस्ट है, ये आगे की तरफ नहीं आ रहा है। तो सेम बोल्ट हम दूसरी तरफ भी लगा देते हैं। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा बैकरेस्ट है, ये आगे की तरफ तो नहीं आ रहा है, बट पीछे की तरफ जाने के अभी भी चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने अपना थोड़ा सा भी वेट रखा और ये बैकरेस्ट पीछे की तरफ पुश होने लगा। तो अब हमें यहाँ पे लगानी रहेंगी ये हॉर्न वाली पत्ती। ये आप देख पा रहे हैं, ये किसी भी हॉर्न के साथ आती हैं। बस इन पत्तियों के बीच में अपन को यहाँ पे होल करना रहेगा, ताकि फ्रेम और बैकरेस्ट को हम टाइट कर पाएँ। और पत्ती को अपन लगाएंगे फ्रेम और बैकरेस्ट के बीच में। तो आप देख पा रहे हैं, ये मैंने अंदर साइड से ये पत्ती लगाई और होल आप देख पा रहे हैं, ये मैंने अच्छे से नाप के किए थे। तो ऐसे ही आपको होल करने रहेंगे। तो एक बोल्ट लगेगा इस पत्ती और फ्रेम में और एक बोल्ट लगेगा पत्ती और बैकरेस्ट में। तो जो बोल्ट हम फ्रेम और पत्ती में लगाएंगे, इसमें हमें एक नट की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो हमें नट को पीछे से इस तरीके से लगा देना रहेगा, जिससे ये बोल्ट अच्छी तरीके से टाइट हो जाए। अब हम सारे बोल्ट्स को स्पैनर की मदद से अच्छी तरीके से एक बार टाइट कर देंगे। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी कर लेना है। और अब आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा बैकरेस्ट है, ये अच्छी तरीके से टाइट हो गया है। ना ही ये पीछे जाएगा, ना ही ये आगे आएगा। बट अभी दिक्कत क्या हो रही है कि ये जो बैकरेस्ट है, इसका झुकाव आगे की तरफ है। देखो, तो हमारी कमर को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो बैकरेस्ट है, इसका झुकाव है आगे की तरफ। तो हमारी कमर के निचले हिस्से को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि नॉर्मली जो बैकरेस्ट होते हैं, उनका झुकाव होता है पीछे की तरफ। तो अभी अपन क्या करेंगे, इस बैकरेस्ट पैड को लगा लेंगे उल्टी तरफ और इस बैकरेस्ट को घुमा के लगा देंगे।
तो सबसे पहले इस बैकरेस्ट को करते हैं अलग, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो हमारा बैकरेस्ट है ये अलग हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि ये जो पैड है इसको हम लगाएंगे इस तरफ, और फिर हम इसको टाइट करना रहेगा इस तरीके से। तो जो बैकरेस्ट का झुकाव है ये पीछे की तरफ रहेगा, जिससे हमारी कमर को पूरी तरीके से सपोर्ट मिलेगा। अभी ये जो अपन ने बैकरेस्ट टाइट किया था, अपन ने ये इंस्टॉल किया था इस तरीके से, तो अभी जो झुकाव है ये आगे की तरफ था, जिससे हमारी कमर को रिलैक्स नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हम ये उल्टा करके इसमें लगाने वाले हैं। तो अब इस बैकरेस्ट पैड को अलग कर लेते हैं। इसको अलग करने के लिए ये जो पीछे आप दो बोल्ट देख पा रहे हैं इनको हमें खोलना रहेगा, और ये जो पीछे कवर है ये अलग हो जाएगा। और जो बैकरेस्ट है अभी ये दो बोल्टों पे कसा हुआ है, और अब इन दो बोल्टों को भी हम खोल लेंगे और बैकरेस्ट पैड जो है वो हमारा अलग हो जाएगा। और इस फ्रेम को हम इस तरीके से घुमा के लगा देंगे, और वापस हमें इस बैकरेस्ट पैड को टाइट कर देना है। नीचे साइड अब ज़्यादा स्पेस है इसलिए हम यहाँ पर दो दो बासर लगा रहे हैं, फिर हम इस बैकरेस्ट पैड को अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। और अब बैकरेस्ट के पीछे जो कवर था उसको भी हम इस तरीके से इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंदर साइड भी मैं एक नट लगा रहा हूँ, क्योंकि अंदर साइड कुछ गैप आ रहा है, तो यहाँ पे अपन एक एक नट लगा दे रहे हैं। इसके बाद अपन इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से कवर को टाइट कर देना रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो बैकरेस्ट पैड है ये अपन ने उल्टी साइड लगा दिया है, और अब ये इस तरीके से टाइट होगा, और अब हमारी कमर को आराम भी ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इसका झुकाव पीछे की तरफ हो गया है। तो जैसा मैंने पहले टाइट किया था वैसे ही अपन फिर से इसको टाइट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैकरेस्ट हमारा फाइनली इंस्टॉल हो चुका है, और अब मैं बैठ के दिखाऊं इसमें तो अब हमारी कमर को पूरी तरीके से रिलैक्स मिल रहा है। ये आप देख पा रहे हैं नीचे से लेके ऊपर तक जो बैकरेस्ट पैड है इस पर हमारी कमर पूरी तरीके से टिकी हुई है। तो यहाँ पे अब हमें बाइक चलाने में काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। और ये राइडर बैकरेस्ट मैंने इंस्टॉल किया था अपनी लद्दाख राइड के लिए, क्योंकि उस टाइम मुझे बैक पेन की काफ़ी दिक्कत थी, तो मैंने काफ़ी दिमाग लगाया तब जाके ये पिलियन बैकरेस्ट को राइडर बैकरेस्ट में कन्वर्ट करने का आइडिया आया। और ये जो फ्रेम के ऊपर के साइड वाले कवर थे, अगर आप चाहो तो इनको भी इंस्टॉल कर सकते हो, इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएंगे। बट हमें क्या करना रहेगा कि ऊपर साइड हमें यहाँ पे कट मारना रहेगा, तब जाके ये इंस्टॉल हो जाएंगे। और वैसे भी राइडर बैकरेस्ट लगा के आप सिटी में तो घूमोगे नहीं, इसको आप लॉन्ग टूर पर लेके जाओगे, और लॉन्ग टूर पर जाओगे तो यहाँ पर आपको सैडल बैग लगाना रहेगा, और सैडल बैग लगाओगे तो नीचे के जो फ्रेम वगैरह हैं वो वैसे भी दिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर आप चाहो तो सैडल बैग को आसानी से माउंट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो पीछे भी आप बैकरेस्ट लगा सकते हो, बट उसके लिए आपको ये दो फ्रेम और बैकरेस्ट ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो इनका जो पार्ट नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके चाहो तो आप इनका पार्ट नंबर ले सकते हो और ऑर्डर लगा सकते हो। और अगर आपके पास एवेंजर क्रूज है तो आपको केवल पुरानी वाली एवेंजर की फ्रेम और बैकरेस्ट ही ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइक का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। वैसे मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, बट राइडर के लिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, इसलिए अपन ने ये राइडर बैकरेस्ट इंस्टॉल किया है जो कि लॉन्ग राइड पर काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। सो अगर आपके पास कोई भी एवेंजर है उसमें आप ये राइडर बैकरेस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, बट अगर आपके पास एवेंजर पुरानी वाली है तो आपको कुछ भी अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लेन बैकरेस्ट को ही राइडर बैकरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।